दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर से स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से भरेंगे। करेक्ट, तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपके ब्राउजर में आपको NSP टाइप करना होगा। NSP टाइप करने के बाद जो सबसे पहले लिंक आपके सामने आएगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2018-19 का, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ से आप लॉगिन, यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन 2018-19 का कर सकते हैं और 2018-19 का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको उसकी कुछ गाइडलाइंस देखने को मिल जाती है जो आप यहाँ से उसे पढ़ भी सकते हैं। से पढ़ने के बाद आप दोस्तों यहां से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2018-19 लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, आप जो भी स्टेट से हो। दोस्तों उसके बाद आप यहां से कैटेगरी के अंदर प्री मैट्रिक 10वीं से नीचे और पोस्ट मैट्रिक 10वीं से ऊपर, तो यहाँ पर आप इस तरह से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर और स्कीम टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम मिल जाएंगी और इंसेंटिव स्कीम मिल जाएंगी। तो हमें स्कॉलरशिप स्कीम उठाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी स्टूडेंट की और यहाँ पर जेंडर में सिलेक्ट करना होगा मेल या फीमेल। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देना है और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो रेड कलर के स्टार बने हुए वो आपको कंपलसरी फिल करना होगा। दोस्तों उसके बाद ईमेल आईडी है तो देना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल के अंदर है। और दोस्तों उसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड देना होगा, उसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड कन्फर्म करना होगा, उसके बाद आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप आधार नंबर ही सिलेक्ट करिए। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड को सेम टू सेम भरकर यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर आईडी मिल जाती है और एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद आप यहां पर उसे लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आता है, तो उसके बाद हम यहां से एप्लीकेशन आईडी जो आपको मिलती है वो यहां पर हम डालेंगे। एप्लीकेशन आईडी कैप्चा कोड है, इसको सेम टू सेम यहां पर डाल दीजिए। कैप्चा कोड को सेम टू सेम हम यहाँ पर डाल देते हैं और सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। OTP हमारे पास आ चुका है, तो हम यहाँ पर OTP इंटर कर देते हैं और यहाँ से कंफर्म OTP पर क्लिक कर देते हैं। कंफर्म OTP पर क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है यहाँ पर स्टूडेंट का, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ से इसे सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इधर होम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डिटेल और चेक योर स्टेटस। तो यहाँ पर अभी हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से फॉर्म को फिल किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट करें, जो भी रिलीजन आपका, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, सिख, पारसी, यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम मुस्लिम अभी सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पर कैटेगरी में जनरल, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम और फैमिली इनकम कितनी है आपकी एक साल की, वो यहाँ पर डालिए। तो 30,000 डालेंगे तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल के अंदर यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले अपनी स्टेट सिलेक्ट करें, स्टेट के बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और यहाँ से गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करें। गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे पूरी डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूट कॉलेज आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम हमारे कॉलेज का नाम सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पहले 4-5 अक्षर आपके कॉलेज के नाम के, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉलेज, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। UDISE कोड के साथ आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको कौन सी क्लास की स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, 11th 12th, जो भी आपको अप्लाई करने की है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करें। और उसके बाद आपको यहाँ से प्रेजेंट ईयर में 1 ईयर और रेगुलर फुल टाइम जो भी आपका
वो यहाँ से सिलेक्ट करे, और उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट यहाँ पर डाले। तो क्लास स्टार्ट डेट के अंदर आप 15/6/2018 डालिए, और फिर यहाँ से हमें बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है कि 10वीं क्लास आप कौन से बोर्ड से पास हुए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। उसके बाद यहाँ पर 10th प्री वाइज कोर्स, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद आता है अपना परसेंटेज कितने गिरे। पिछले साल का जो मार्कशीट है उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 63 जो भी आपके परसेंटेज हो यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद 10th क्लास का यहाँ पर रोल नंबर डाले, K055508। यहाँ पर 10th क्लास की बोर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ईयर ऑफ पासिंग में 2018। और उसके बाद 12th क्लास का यहाँ पर अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें 10वीं के बाद 11वीं का फॉर्म हम ये भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 12th की डिटेल नहीं डालेंगे। अगर आप BSc का फॉर्म भर रहे हैं या BA, DEd, BEd जो भी फॉर्म डाले भर रहे हैं, तो आपको 12वीं की डिटेल भी यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद ये हम छोड़ देंगे, और उसके बाद एडमिशन फीस हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद ट्यूशन फीस और यहाँ पर अदर फीस। और दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर पिता का नाम डाले, गार्डियंस का नाम। उसके बाद आप ये डिसेबिलिटी को छोड़ दे, डिसेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मैरिटल स्टेटस में, मैरिड है, शादी हो चुकी है तो मैरिड, और शादी नहीं हुई तो अनमैरिड। पेरेंट्स प्रोफेशन के अंदर हम यहाँ पर बहुत सारे आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन इसमें से इनके पापा कुछ भी नहीं करते, तो हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करने के बाद एक बार अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिए अकाउंट नंबर पे कि सही है या गलत है, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाता है। तो इस पेज में आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है, उसके बाद आप तालुका, यहाँ पर आपके एड्रेस डिटेल देनी होती है, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस टाइप कीजिए। उसके बाद आपकी सिटी का पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर स्कीम डिटेल में आपको स्कीम टू अप्लाई, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करना होगा। पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, अटेस्टेड सर्टिफिकेट। तो ये कब ज़रूरी है आपको अपलोड करना डॉक्यूमेंट? अगर आपकी इनकम 50,000 से ऊपर है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। और हमने वहाँ पर इनकम 30,000 डाली थी, इसलिए हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको 50,000 से ऊपर अगर आप कमाते हो एक साल के अंदर आपके पापा, तो आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट में करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ से हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने उसका फॉर्म आ जाता है, और फाइनल सबमिट होने के बाद आप एप्लीकेशन में कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम इस फॉर्म की प्रिंट ले लेते हैं। फॉर्म फाइनल सबमिट से पहले आप थोड़ा सा एक बार फॉर्म की डिटेल चेक कर लिया कीजिए, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो और सामने वालों को स्कॉलरशिप मिलने में कोई तकलीफ ना हो। और स्कॉलरशिप के ये फॉर्म की आपको प्रिंट स्टूडेंट को यहाँ से दे देनी है, यहाँ से आपको इस प्रिंट को दे देनी है, और उन्हें बोलना है कि ये कॉलेज के अंदर जमा कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आप उसके एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल पर अभी ये एप्लीकेशन है, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड आपको बताता है। तो बस आपको इतना काम करना होता है, और इस तरह से अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपके 100% स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह से भरना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।